नमस्कार, मैं हूं विनय पाठक। एबी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं मुंबई तथा आसपास की कुछ खास खबरें। मुंबई महानगर में रहने वाले बुजुर्गों की सुरक्षा की जिम्मेदारी अब स्थानीय प्रशासन को उठानी होगी। इस बारे में रविवार को मुंबई पुलिस के पुलिस आयुक्त संजय पांडे ने मातहत अधिकारियों को आदेश जारी किया है कि सीपी के इस निर्देश के बाद सीनियर पीआई को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वे अपने क्षेत्र में रहने वाले बुजुर्गों की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करें, उनका नियमित रूप से हालचाल लेते रहें, किसी तरह की समस्या होने पर उन्हें तत्काल मदद पहुंचाएं। हालांकि इसके लिए सीनियर पीआई के नेतृत्व में संबंधित बी चौकी के प्रभारियों को सप्ताह में दो बार अपने क्षेत्र के बुजुर्गों की जानकारी पुलिस डायरी में दर्ज करनी होगी। इस नोटबुक की भी नियमित तौर पर मॉनिटरिंग सीनियर पीआई या पीआई करेंगे। गौरतलब है कि इससे पहले बुजुर्गों की सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए मुंबई पुलिस ने हेल्पलाइन नंबर 1090 जारी किया था। इसके जरिए प्रशासन अकेलेपन रहने वाले या किसी तरह मानसिक एवं शारीरिक रूप से असक्षम बुजुर्गों की ओर से मदद की मांग किए जाने पर उन्हें तत्काल प्रभाव से आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराता था। यहां तक कि बुजुर्गों के साथ संबंधित जोन के डीसीपी स्तर के पुलिस अधिकारी जन्म दिवस तक मनाया करते थे। पुलिस आयुक्त की इस पहल की लोग सोशल मीडिया पर सराहना कर रहे हैं। एबी न्यूज में अभी तक का सफर करते हैं समाप्त। विनय पाठक को दीजिए इजाजत। हम फिर मिलते हैं नई खबर नए सफर के साथ। लेकिन चलते चलते गुजारिश विनती अनुरोध, यदि आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना।